ये नए शूज किसने पहने हैं? बिल्कुल मेकअप 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 चलो देखो मम्मी चलो वाइट और नहीं है कोई और एक साइज बड़ा ना चाप एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल वेरी गुड मॉर्निंग अच्छे लाइट यहाँ से हाँ तो अभी सुबह हम लोग बहुत लेट उठे हैं और जस्ट मैं भी फ्रेश होके थोड़ा चेंज करके हम लोग जा रहे हैं बाहर और जैसे कि मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में आपको बताया था लास्ट वाले ब्लॉग में बताया कि हस्बैंड जा रहे हैं बैंगलोर हम लोग बैंगलोर नहीं सॉरी बाहर बैंगलोर आ रहा हूँ मैं दिल्ली जा रहे हैं और इसलिए ना हमारे जो कलीग है उनके मतलब एक कलीग है उनकी वाइफ आ रहे हैं यहाँ पे वो भी भैया भी आ रहे हैं बट भैया छोड़ने आ रहे हैं फिर कल चले जाएंगे शायद ना तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है तो वो आ रहे हैं मेरे पास हफ्ते के लिए तो वो पहुँचेंगे शाम को तो हम थोड़ा बहुत सामान जो मतलब एक हफ्ते में यूज़ होने वाला है क्योंकि उसके बाद शायद मेरे को बीच में कहाँ मार्केट जा पाएंगे हम लोग यार जाने का कोई है भी नहीं तो हम लोग जाएंगे अभी मार्केट और थोड़ा बहुत सामान लेके और थोड़ा विमान को भी आउटिंग हो जाएगी तो इसके लिए जा रहे हैं थोड़ा बहुत सामान तो वैसे हस्बैंड लेके भी आ गए हैं बट थोड़ा बहुत जो ग्रोसरी का आइटम्स हैं या कुछ कुछ है वो सब चीज़ें लेने जा रहे हैं और आज मैंने कॉम्बिनेशन लाया है ये कुर्ता मेरा बहुत पसंद है और मैं इसको रिपीट करती हूँ क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता है ये और आप इसका स्टफ देखोगे ना ये देखो इसका स्टफ देखोगे बिल्कुल भी धोने से मतलब ऐसा लगता नहीं है कि ये मतलब इतना पुराना है ये आई थिंक 4 या 5 साल पुराना है अब भी मुझे आता है पहले मुझे नहीं आता था पर मैंने वेट लॉस किया उसके बाद मुझे आना स्टार्ट हो गया तो हम अभी अपने जा रहे हैं चल पड़ना है क्या घर पे बहुत थोड़ा बहुत काम पड़ा यार अभी वापिस आके ये नए शूज किसने पहने हैं मैचिंग हो गया नए शूज कितना खुश हो रहे हैं मेरे चलोगे विवान पीछे क्यों बैठे आप पीछे बैठे आराम ये देखना आने वाले एक आदमी ओए ओ बाइक आ जाए क्या गाड़ी बाइक चलाते आ रहे अपार्टमेंट में बन कर देना डी हाँ जी पापा यस बेबी जो मैं आप बोलूँगा बहुत बातें कर रहा है विवान बहुत बातें ये सामने नीचे वो भी है गिफ्ट्स का भी शॉपिंग शॉपिंग ये विवान शॉपिंग चलो उतरो चलो विवान उतरो बच्चे चलो चलो अभी हस्बैंड को शॉपिंग करने आनंद जोली चलो चलो बच्चे चलो चलो क्या हो गया आपको हाँ ब्लैक नहीं है तो यहाँ पे ना हस्बैंड के लिए शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग दो शर्ट मुझे पसंद आई है एक ये वाली और एक ये वाली दो एक और देख रहे हैं विवान इधर नहीं जाना इधर नहीं जाना इधर नहीं जाना नहीं जाना इधर क्या था उधर जा वाइट और नहीं है कोई ये तो ब्लैक नखरे देख लें क्या नहीं 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 वाइट ठीक है वाइट गंदी कर देते बहुत जल्दी आप धोने के लिए मैं स्टार रहा हूँ फिर अच्छी लग रही है बड़ी फिट लग रही है बड़ा साइज टाइट तो नहीं हो रही है देखो हाँ एक साइज बड़ा ना हाँ एक बड़ा साइज हाँ कौन है ये शीशे में कौन है नीचे 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 उतर नीचे उतर नीचे नहीं बोले मेरे लिए
मेरे पास जो अनब्रांडेड कपड़े हैं वो सिर्फ मैं लेके देती हूँ आपको, मैं लेके देती हूँ और आप सब ब्रांडेड पहनते जो लेते हो ना। तो क्या हो गया यार, अनब्रांडेड कपड़ों में क्या हो गया? ठीक है, दो बार पहन लिया, खराब होगी तो नहीं पहनने फिर। कितने महंगी महंगी जो शर्टें होती हैं इन सब को, उसमें 2600 की, 3000 की, 4000 की। क्या बोलना चाहते हो आप? लड़की बश। तो यहाँ हम लोग आए हैं बहुत सारी सब्जियाँ सब कुछ लेने, तो मुझे सबसे पहले खीरे दिखते हैं और सबसे अच्छे ये लगते हैं तो मैं सबसे ज़्यादा ये डाल लेती हूँ, और जो भी सब्जी अच्छी होगी मैं वो ले रही हूँ। हर बार ज़्यादा सामान हो जाता है यार। चलो हम लोगों ने घर आके मैंने सबसे पहले सारी सब्जियां जो वो पॉलीथीन में डाल दी, इस तरह से मैं मैक्सिमम ऐसे ही डालती हूँ ताकि सब्जियां बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती, इसे पैक करके हमेशा पैक करके रखती हूँ मैं सब्जियों को। एक मैं फेस वॉश लेके आई हूँ, ये है ऑयल क्लियर, मेरी स्किन थोड़ी ऑयली है इसलिए मैं लेके आई हूँ। थोड़ी देर बाद ही हम लोग थोड़े घर से बाहर निकले क्योंकि हमें कुछ सामान लेके आना था, और मैं विवान हम लोग विवान बहुत टाइम बाद बाइक पे बैठा है और वो ना बहुत देर से बाइक 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 कर रहा था, तो हमने कुछ थोड़ा सा सामान कुछ शाम के लिए चाहिए था तो वो हम लोग लेने के लिए जा रहे थे। देन थोड़ा ये रास्ता जो था ना बिल्कुल ख़राब था, बिल्कुल न्यू रास्ता इतना प्यारा बन गया, यहाँ से बैठ के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, जैसे था ना कि लॉन्ग ड्राइव पे थी, लॉन्ग ड्राइव पे ऐसा रास्ता होना तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि बहुत प्लेन बहुत अच्छा रास्ता है। और हम मैंने बताया ये शर्ट पे ना अपने दाग लगा लिया, मैं जैसे घर आई मैंने देखा सूखने डाला था और ये इसमें दाग लगे और मेरी शर्ट खराब हो गई है। कौन आ रहा है पता है आपको? कौन आ रहे हैं भैया? आ रहे हैं सुशांत भैया, आ रहे हैं सुशांत भैया, आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? कौन आ रहा है हमारे घर में अभी अभी? कौन आएगा विवान से मिलने? कौन आएगा? कौन आएगा? अभी आएंगे थोड़ी देर बाद। पापा जाएंगे, पापा कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। वहां से क्या लाएंगे? बिल्ली। नहीं बिल्ली नहीं लाएंगे, हेलीकॉप्टर लाएंगे ना। फिर आएंगे पापा एक हफ्ते बाद आपको चिज्जी लेके। और क्या होगा? क्या होगा? मासी आ रही है, मासी। सुशांत भी की वाइफ मासी हुई ना, क्या बोलेंगे? भाभी भाभी। तो भाभी ये क्या मामी बोलेगा उनको? मामी ताई। लुको ना यार, लुको। कितने बजे? 9:30 की बस है, फिर तो 9:30 निकलोगे आप ना, लेट हो जाओगे। तो क्या हुआ? पता नहीं, तो अभी पहुंचे ही नहीं यार, बहुत टाइम से वो ऑटो में बैठे थे। एक बारी कॉल करो भला, काफी टाइम हो गया उनको। क्या है? गिरना है विवान, गिर जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा। तो जैसे ही भैया वगैरह पहुंचे विमान इतना खुश हो गया क्योंकि ऑलरेडी वो इनके जितने भी फ्रेंड हैं सबके साथ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो आके कभी भाभी से बात कर रहा था, कभी भैया से बात कर रहा था, उसको बहुत खुशी हो रही थी, बहुत खुश हो रहा था। चिज्जी लेके आना, और क्या लेके आना? हेलीकॉप्टर लेके आना, हेलीकॉप्टर लेके आना, और क्या? हेलीकॉप्टर। बाय 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 टाटा। पूछो पूछो, इसको दर्द कहाँ है? इसको दर्द है? ओ दे, तो तैयार
गाय है, गाय है, गाय है, गाय है।